सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, बोले बाबा सरकार में महामाफिया राज है। विकास नगर में जयराम ठाकुर तो देहरादून में प्रचार अभियान में जुटे मुख्यमंत्री धामी। मेरठ में बोले सीएम योगी, दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब वही देगा जिसमें दम होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा प्रमुख मायावती भी चुनाव प्रचार के लिए उतरी, कल आगरा में होगी रैली। पंजाब में अब कांग्रेस पर लगा टिकट बेचने का आरोप, निर्दलीय नामांकन कर सकते हैं किसान मोर्चा के प्रत्याशी। कांग्रेस ने खुशी दुबे की मां की जगह उनकी बहन को दिया टिकट, चार नए उम्मीदवारों की सूची की जारी। राहुल गांधी ने बजट को लेकर कही बड़ी बात, कहा इस बजट में गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं के लिए कुछ नहीं। लखनऊ में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता, कन्हैया कुमार पर फेंकी गई स्याही। बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी, कहा ये 100 साल के विश्वास का बजट है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक सिमरजीत की गिरफ्तारी पर 3 फरवरी तक लगाई रोक। दिल्ली में पहले फोन पर बात करते हुए मारी टक्कर, नुकसान के पैसे मांगे तो चला दी गोली, 3 लोग हुए घायल। पटना में मॉर्निंग वॉक के लिए गए युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग, शूटर्स ने मारी 4 गोलियां। दिल्ली में पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, 5 स्कूटी और बाइक हुई बरामद। बुलंदशहर में डंडों से पीट पीट कर कथावाचक की हत्या, आरोपित हिरासत में। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एनपीएस पर बड़ी टैक्स डिडक्शन लिमिट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की डिजिटल करेंसी पर बड़ी घोषणा, ट्रांसफर आय पर 30% का टैक्स। टी सीरीज का नया गाना तुमसे प्यार करके हुआ रिलीज, तुलसी कुमार और जुबिन नौटियाल ने दी आवाज। दीपिका पादुकोण की गहराइयां का टाइटल ट्रैक हुआ रिलीज, सिद्धांत के साथ दिखी दमदार लव केमिस्ट्री। अहमदाबाद में बंद दरवाजे के पीछे खेली जाएगी वनडे सीरीज, फैंस को आने की नहीं होगी अनुमति। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम के लिए आई बड़ी खुशखबरी, निशांत सिंधु कोरोना से हुए ठीक।